करेंगे उस बयान की। राहुल गांधी का ये बयान सामने आया जिसके बाद अब इस बयान पर भारी विवाद हमें देखने को मिल रहा है। वाराणसी में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान पर जमकर हमला बोला जिसमें राहुल गांधी ने यूपी के नौजवानों को नशेड़ी कहा था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज जिनके खुद के होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के नौजवानों को नशेड़ी बता रहे हैं। मोदी को गाली देते हुए दो दशक बिता दिए और अब यूपी के नौजवानों पर ही अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी ने यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा था कि यूपी में बाजा बज रहा है और यूपी का नौजवान यूपी का भविष्य शराब के नशे में चूर कर होकर नाच रहा है। पीएम मोदी वाराणसी काशी में संत रविदास के प्रकाश पर्व पर संत रैदास की प्रतिमा का अनावरण करने आए थे। तो देखिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से मौका दे दिया है। दरअसल आपको बताते चलिए ये पहली दफा नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया हो जिसके बाद सियासी भूचाल हमें देखने को मिला हो। इसके पहले भी कई बार हमने देखा है कि राहुल गांधी इस तरीके के बयान दे चुके हैं। तो राहुल गांधी ने देखिए लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी को मौका दे दिया है क्योंकि बीजेपी अब इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के बयान को लेकर हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया। वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा बाजा बज रहा है वहां पे। शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने दो दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर अपनी बयानबाजी की वजह से चर्चा में रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बातों ही बातों में राहुल गांधी बॉलीवुड सेलेब्स का नाम ले लेते हैं जिसके कारण वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी उन्होंने अपने भाषण में ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन का जिक्र किया था जिस वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। तो सोना महापात्रा ने भी ऐश्वर्या राय का नाम लेने के लिए कांग्रेस नेता को खरी खोटी सुनाई है। 20 फरवरी को राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दिखे। अपने भाषण में उन्होंने ऐश्वर्या राय के नाम का भी जिक्र किया। देश की राजनीति में बेवजह ऐश्वर्या का नाम घसीटा गया तो मशहूर सिंगर सोना महापात्रा ने भी इस पर अपनी बात रखी। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा? उसमें अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी, नरेंद्र मोदी थे। वो देख पाकिस्तान, उधर देख, ओए इधर देख, वो देख अमिताभ बच्चन, उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय, ओए उधर देख, ओए क्रिकेट। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, अक्सर हमने देखा है कि राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसको बीजेपी लपक लेती है और देखिए मोदी जी उस पर बोलते हुए भी दिखाई देते हैं। क्या ये कहा जाए कि सेल्फ गोल करते हैं हमेशा? ऐसा कहना तो पूरी तरह ठीक नहीं होगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो उसको लगता है कि वो जो बोल रहा है वो लोगों के मन तक जा रहा है और सामने जो भीड़ होती है जब वो ताली बजाती है, जोश दिखाती है, तो व्यक्ति को लगता है कि वो सही भी है। लेकिन दूसरी तरफ एक जो दूसरा बड़ा सच ये भी है कि आपका बयान भले ही जनता के मन को कितना भी छू दे,
लेकिन आपको उन बातों से बचना चाहिए जो कहीं ना कहीं विवाद की तरफ आ जाए। जिस तरह से अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को लेकर राहुल जी का जो बयान है उसको लेकर माना गया कि खुद अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसका जवाब देने की कोशिश बिना नाम लिए की है। काशी में जिस तरह से राहुल जी ने युवाओं में नशे की प्रवृत्ति की तरफ इशारा करने की कोशिश की उसको प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही अलग तरीके से लेकर ये बात रखी कि क्या मेरे युवा नशेड़ी हैं, क्या काशी का युवा नशेड़ी है, राहुल क्या कहना चाहते हैं। तो आप जब भी बोलते हैं तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि उन विषयों से आप बचें जो विषय कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करें। राहुल के मन में नाराजगी हो सकती है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी बात पहुंच नहीं रही है या असफलता ना मिलने की वजह से भी कई बार उनके मन में जो भाव आते हैं उसकी वजह से वो कई बार आक्रामक दिखते हैं। जैसा एक पत्रकार को लेकर उत्तर प्रदेश में जिसने अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछा तो विवाद की स्थिति बनी और राहुल गांधी ये पूछते नजर आए कि आपके मालिक का नाम बताइए। तो ये जो चीजें हैं और वो मीडिया की तरफ इशारा करके कहते हैं आप सच नहीं दिखा पाएंगे मुझे मालूम है, लेकिन मैं मानता हूं कि गलती आपकी नहीं है। तो ये जो बातें वो कहते हैं इन बातों का अर्थ कई बार अनर्थ की तरफ जाता है और वो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए पेचीदगियां बढ़ाता है, इतना जरूर है। लेकिन वो जो कुछ भी कह रहे हैं आहत मन से बोल रहे हैं, पीड़ा से बोल रहे हैं और विपक्ष के नेता के एक आक्रामक तेवर के साथ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे शब्द जो है सही कहा आपने शरद जी की मुश्किलों में पार्टी को डाल देते हैं, ऐसे में सोच समझकर बयान देना चाहिए क्योंकि हर बार हम देखते हैं बीजेपी से मुद्दा बना देती है और खास तौर पर अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से मौका दे दिया है, मौका दिया है बीजेपी को। राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया उसके बाद अब देखिए कांग्रेस भी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के इस बयान को मुद्दा बनाया है, वाराणसी को बदनाम करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। पहले भी राहुल गांधी हम देखते आए हैं कि बयानों को लेकर उलझते रहे, कई बार वो ऐसे शब्द बोल देते हैं, ऐसे बयान दे देते हैं जिसके चलते पार्टी की मुसीबत बढ़ जाती है।